80 से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं, उसका पर्याय क्या है, क्या फर्क पड़ता है राजनेताओं। और जैसा मैंने ऐलान किया है, लोग काला झंडा दिखाने पहुंचेंगे और लोगों को अगर पहुंचने से रोका गया तो अपने अपने घर पे लोग काले झंडे और जबरदस्ती योगी जी शिलान्यास करने आ रहे हैं किसानों की सहमति के बिना, तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। अगर सरकार जबरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध अखिलेश यादव आके शिलान्यास करेंगे तो हम काला झंडा दिखाएंगे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कुशीनगर में मैत्री परियोजना का शिलान्यास करने आए, डीएम थे रिग्ज्ञान सिंपल। नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले में मंदुरी एयरपोर्ट का जो मामला है विस्तारीकरण का, वो पूरी तरह से चर्चा में आ चुका है। अब किसान आंदोलन से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता, सीधे तौर पे कहूँ तो राकेश टिकैत जैसे लोग जो किसानों के सबसे बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता है, वो इस आंदोलन में आए और उन्होंने जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनको संबोधित किया और किसी भी तरह से उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की दशा जो है वो ख़राब नहीं होने देनी है, किसी गलत वे में नहीं ले जाना है, हमको तरीके से हर एक चीज़ को व्यवस्थित करके आगे बढ़ना है। साथ ही साथ उसी मंच पे मौजूद थे संदीप पांडे जी, उनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया तो इत्तेफाक देखिए मैंने इनको रास्ते में रोका, कहा सर 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। तो सर आपने वहाँ पर एक बात कही कि योगी जी शायद शिलान्यास करने आ रहे हैं, आपने काला झंडा दिखाने की बात कही है और ये भी कहा है कि जिस तरह से लोगों ने, अगर हम पुलिस रोकती है आपको तो जिस तरह से लोगों ने तिरंगा झंडा लगाया था मोदी जी के आह्वान पर, देश भर में लगा, सबके घरों पे लगा, उसी तरह से आप जितने भी गांवों में अधिग्रहण की बात चल रही है हर एक घर पर काला झंडा लगा देंगे, तो सर थोड़ा आप ही बताएं, वो स्पष्ट बात करें कि क्या मामला है। देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब हम ये करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कुशीनगर में मैत्री परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे थे, डीएम थे रिग्ज्ञान सिंफल, हमारे मित्र हैं, तो हमने उनको बता दिया कि देखिए अगर वहाँ भी यही मामला था कि गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बननी है और राजनाथ सिंह के समय का निर्णय, जब बामियान में वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा वहाँ टूटी है यहाँ बनवाएंगे, जब वो यूपी के सीएम थे। अब वहाँ जमीन ली जानी है और वहाँ भी यही हो रहा है कि कुछ किसान तो दे दिए हैं जिनका ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, मतलब जिनकी आजीविका ज़मीन पे निर्भर नहीं है, जो बाहर चले गए हैं कहीं नौकरी कर, खेती किसानी नहीं कर, हाँ, और लेकिन जो खेती किसानी कर रहा है, जो उस पर मजदूरी कर रहा है, जिसकी आजीविका निर्भर है, वो वहाँ विरोध कर रहा है। और हमारे मित्र गोवर्धन प्रसाद गौड़ तो बहुत लंबे अनशन पर बैठे, तो वहाँ हमने ऐलान कर दिया कि अगर अखिलेश यादव आके शिलान्यास करेंगे तो हम काला झंडा दिखाएंगे। तो हमें जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उस दिन, जिस दिन अखिलेश जी आने वाले थे, हम लोगों को डिटेन किया गया, गोरखपुर के सर्किट हाउस में दिन भर बैठाए रखा गया जब तक कि अखिलेश यादव चले नहीं गए। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर सरकार जबरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध, भाई आप देखिए भू अधिग्रहण की एक प्रक्रिया होती है, आप एक सूचना देते हैं लोगों को और जब तक 70% किसानों की सहमति नहीं होती है तब तक आप ज़मीन अधिग्रहित नहीं कर सकते किसी भी परियोजना के लिए। लेकिन बिना उस प्रक्रिया का पालन किए रात को पुलिस भेजी जा रही है जैसे कोई चोरी करने आ रहे हैं और जबरदस्ती योगी जी शिलान्यास करने आ रहे हैं किसानों की सहमति के बिना, तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। और जैसा मैंने ऐलान किया है, लोग काला झंडा दिखाने पहुँचेंगे और लोगों को अगर पहुँचने से रोका गया तो अपने अपने घर पर लोग काला झंडा। देखिए सर, मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट कर दें, काला झंडा दिखाते हुए लहराते हुए हमने बहुतों को देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 80 से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं, उसका पर्याय क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है राजनेताओं को। नहीं, राजनेताओं पे इतना प्रभाव पड़ता है कि आपको बता दें कि जो CPM का मुख्यमंत्री है केरल में, उसकी पुलिस अगर कोई काला कपड़ा भी पहने हो, आपने काला मास्क भी लगा लिया हो, अगर आप उसकी सभा में जा रहे हैं तो आपको नहीं पहनने देगी। तो ये नेता बड़े घबराते हैं क्योंकि काला रंग जो है विरोध का प्रतीक है और ये शुरू से होता आया है, चाहे कोई भी नेता रहा हो उसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो हम अगर, हमें अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
को अगर उसकी आज़ादी को छीन लिया जाएगा तो हमारे पास फिर कोई और चारा नहीं रह जाता शांतिपूर्ण सत्याग्रह में कि हम इन इस तरह के तरीकों का प्रयोग करें। सर एक छोटा सा सवाल और है मेरा, टीके जी के आने से आंदोलन को कितनी राहत? देखिए आंदोलन कोई भी होता है वो चलता है स्थानीय लोगों की ताकत पे। अगर टिकैत भी आ जाएं और अगर टिकैत ने खुद इस बात को मन से कहा कि अगर लोग जो ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो छोड़ के अगर मुआवजा मांगने लगेंगे तो सारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो आंदोलन तो तभी तक चलेगा जब तक लोग मजबूती के साथ अपनी ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन छोड़ने को नहीं तैयार हैं। तो टिकैत भी तभी यहाँ आएंगे जब यहाँ आंदोलन मजबूत होगा, या हम लोग भी तभी यहाँ आ सकते हैं जब यहाँ आंदोलन मजबूत होगा। और सौभाग्य से इस समय आंदोलन यहाँ बहुत मजबूत है, एक भी आदमी एक भी औरत ज़मीन देना नहीं चाहता। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।